ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हो, ये है हमारे देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। माननीय नितिन गडकरी जी के लगातार प्रयास का अभी एक हाइड्रोजन बस बनी है। बस कुछ ही महीनों के भीतर ऐसी कुल 15 एडिशनल बसेस एनसीआर रीजन में दौड़ा करेंगी, और ये है गडकरी जी की ताकत। इनफैक्ट जल्द ही अब हाइड्रोजन ट्रक्स भी आने वाले हैं। इनकी एफिशिएंसी आप इसी वीडियो से देख सकते हो, क्या तेजी से पिकअप पकड़ते हैं हमारे हाइड्रोजन ट्रक्स। इस वीडियो में देखा जा सकता है लगभग कार की तरह पिकअप पकड़ा है हाइड्रोजन ट्रक ने कंपेयर टू डीजल ट्रक। बात करें एफिशिएंसी की, तो जो आईसी इंजन रहते हैं वो 25% ही एफिशिएंट रहते हैं, लेकिन हमारे ये फ्यूल सेल बस 60% एफिशिएंट रहेंगे। इकोनॉमी की बात करें, हमारी डीजल बसेस 2.5 से 3 किलोमीटर ही 1 लीटर में चल पाती हैं, लेकिन हमारे हाइड्रोजन बसेस 1 किलो में 12 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस तय कर पाएंगे। 2.5 करोड़ में ये पूरी बस तैयार हुई है, जिसका रेंज 400 किलोमीटर तक क्लेम किया जाता है। बस अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, सबसे सस्ता हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोड्यूस करना। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट ऐसा रिएक्टर भी तैयार कर लिया गया है जो 8 घंटे में 6.1 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। इसके और भी छोटे वर्जन पर काम किया जा रहा है जो कि ज्यादा एफिशिएंट होगा, ताकि हम घर घर तक इस तरह के रिएक्टर्स को इंस्टॉल कर सके, जिससे हाइड्रोजन फ्यूल तो बनेगा ही, साथ ही में इससे जनरेट होने वाले फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, इसकी केमिस्ट्री थोड़ी एक्सप्लेन की है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में वो जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी।